इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। यूपी चुनाव को लेकर जेडीयू ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। जेडीयू ने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम मांगे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों से नाम मांगा गया है। जेडीयू की प्राथमिकता तो यही है कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े। बीजेपी से गठबंधन को लेकर जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता की पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह से बात भी हुई। जेडीयू को बीजेपी की तरफ से जवाब और फैसले का इंतजार है। तो उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। अब सवाल यह है कि जेडीयू तो अपनी ओर से भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के साथ चुनावों में जाना चाहती है, लेकिन क्या बीजेपी इस बात के लिए तैयार है? क्या बीजेपी ये चाहेगी कि जेडीयू उत्तर प्रदेश में अपना दायरा और बढ़ाए, बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े? और अगर ऐसा होता है तो फिर कितनी सीटें दी जा सकती हैं जेडीयू को, यह भी सोचने वाली बात है। बहरहाल जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं की मुलाकात पीएम मोदी और जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी हुई है, जो लगातार उत्तर प्रदेश की चुनावी रणनीतियां बनाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और ऐसे में जेडीयू को बीजेपी के जवाब का इंतजार है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।